ये खुद अपने हाथों से करना है। गुड। इसके ऊपर फिर स्टिचिंग करना, ये सब चीज़ें। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे। तो यार एक्चुअली क्या है ना, तो अभी थोड़ा मैंने ब्लॉग ना आज लेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग काफ़ी जल्दी उठ गया था और फिर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह जो भी करने कर लिया। तो फिलहाल अभी मस्त वाला नाश्ता करके फिलहाल बैठा हूँ। तो आज हमें जाना है त्यागराज स्टेडियम, बिकॉज आज इंटरनेशनल प्लास्टिक डे, तो हमारे वहाँ पर थोड़ा कुछ लाइक ऑर्गेनाइज किया है, तो फिर हम वहाँ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप के एक्टिविटीज़ कुछ होने वाले हैं वहाँ जाने वाले, तो यार उसके लिए फटाक से रेडी होना है। सो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, अब फिर आ चलते हैं विदाउट डेली के लिए। अभी वो 10 बज चुके हैं, तो 10:30 बजे तक हमें पहुँच रहे हैं, चलते हैं। तो फाइनली अभी हम आए हैं दिल्ली हॉल्ट पे, तो यहाँ से गेट नंबर 3 से एग्जिट होना है, फिर और यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट वगैरह मिलेंगे मेरे दोस्तों, फिर चलेंगे। तो चलते हैं यार जल्दी जल्दी से, लेट बहुत हो गया। तो फाइनली सब दोस्त वगैरह मिल चुके हैं, हम भी आ रहे हैं, बता रहा हूँ। तो फाइनली हम गेट के पास आ चुके हैं, तो अभी अंदर एंटर हो रहे हैं। पीछे देख सकते हैं स्टेडियम कितना बढ़िया है ना, काफ़ी बढ़िया है यार रहने के लिए। और इस पानी पी रहा हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, तो अपना बोतल कैरी करो और पानी पियो। सो गाइज फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। तो अंदर आके देखा तो जो 19 सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है ना गाइज, तो यार उसके ना हर अल्टरनेटिव यहाँ अवेलेबल है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजर ने अपने तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाया है भाई, जो देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। डिग्रेडेबल है यस सर, मतलब कि चौबीस घंटे में डिस्चार्ज हो जा, इधर भी ऑल्सो डिग्रेडेबल ही ये चीज़ें। तो उदानेश जी, तो इतने सारे आप लोग ने खुद से हाथ से बनाया है, सिलाई होता है। तो कपड़े के बैग बनाते हैं, बहुत अच्छा। ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये मशीन एम्ब्रॉयडरी होता है, बट इसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसे कट करना, उसका साइज लेना, उसका मेजरमेंट करना, ये हमारी एसएचजी खुद अपने हाथों से करती है। गुड। इसके ऊपर फिर स्टिचिंग करना, ये सब चीज़ें। ऑल्सो प्लास्टिक बैग, विवेकानंद एसएचजी जी, तो ये भी प्लास्टिक बैग, और दीज आर ऑल्सो एसएचजी ने इसे बनाया है। ये अब क्या बैग है, क्या बैग नहीं है ये, आपका फ्लावर पॉट होता है ना, गमले जो होते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। ओ, मतलब इसमें गमला रख सकते हैं। गमला उसको हैंग कर सकते हो, गमला लगा सकते हैं। हाँ वो प्लास्टिक की जगह ये यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह बेस्ट है। हाँ और जैसे हम वॉश बेसिन के साथ में प्लास्टिक के लगाते हैं ना, टॉवल हैंग कर, हाँ हाँ, ये आपने हाथ से बनाते हैं? ये हाथ से ही बना हुआ है, इसको मैगने में आर्ट बोलते हैं। ओ मैगने में आर्ट, हां मैगने में आर्ट। तो दीज आर अ बैग आल्सो द सेम थिंग्स, पर ये हैंडमेड पेपर बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। हनी हनी का इससे क्या मतलब, हाँ ये अच्छा किया आपने, पूरा पहले प्लास्टिक के होते थे तो अभी हमने कर दिया कांच के, जिसकी वजह से हमारा प्लास्टिक तो रिड्यूस हो रहा है, ऊपर से हमारा मतलब कि प्लास्टिक बैन को एक बढ़ावा भी मिल रहा है, तो गुड्स ये भी अच्छा चीज़ है।
वजह से वायु प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, वाटर प्रदूषण। माइक्रोन आप कहते हैं, प्रॉब्लली हमने जो अभी तक जो यूज जैसे खुले आगे चले गया तौल करके देखा तो वो मैं देखा था व्हाइट वाला जो पीपी नहीं यार तुमने मिल लिया वो आप 75 माइक्रोन का पॉलिथीन ले आओ कहीं पहन लेंगे ठीक है उतना ही उसका आपका तो इतने समाधान है 75 में हाँ जी वाह क्या प्यारा आ रहा है यहाँ पर फ्री में प्लांट मिल रही है तो अभी हम ले रहे प्लांट तो यहाँ ये रहे बहुत सारे प्लांट बस रजिस्ट्रेशन करवाओ एक को एक फ्री में प्लांट मिलेगी चलो चलो बच्चों जल्दी करवाओ दीज आर 19 प्लास्टिक जो अभी फिलहाल 1 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन किया हुआ है वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 1 जुलाई बाय द गवर्नमेंट First, earbuds with plastic sticks, and hair sticks and balloons, plastic flags, candy sticks, ice cream sticks. Okay. So finally वहाँ से तो आ गए यार अभी चलते बस घर तो मैटर पकड़ते हैं एक फिर चलते हैं घर काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर तो यार बहुत गए हैं ना पढ़े लिखे सीखने को ज़्यादा मिला